दोस्तों आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम शुगल मेला लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये लोग तो सीरियस सिचुएशन को भी फनी क्लिप में बदल देते हैं। वैसे तो आप लोग पाकिस्तान में आते जाते हुए कई नमूनों को देखते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानियों के ऐसे करतूत दिखाऊंगा जिन्हें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आप इंशाल्लाह जिस टीवी प्रोडक्शनर है हैदर टीवी, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक बड़ी सस्ते वक्त में दे दूँगा। आप उन्होंने क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो बनते थे। दोस्तों आज की बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो पाकिस्तान की कुछ ऐसी वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो आप भी देख के हैरत करेंगे और मतलब हंसेंगे भी और अफसोस भी करेंगे कि ये है एक आवाम जो इतना मतलब ज़्यादा ओवर एक्टिंग या ओवर काम करती है सिर्फ अपने नाम के लिए या जो ही मामला है। और वीडियो को आप लोग एंटर जरूर देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। आपका हंसते हंसते पेट ही फूलेगा और आपको थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा कि ये क्या लोग हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम शुगल मेला लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये लोग तो सीरियस सिचुएशन को भी फनी क्लिप में बदल देते हैं। वैसे तो आप लोग पाकिस्तान में आते जाते हुए कई नमूनों को देखते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानियों के ऐसे करतूत दिखाऊंगा जिन्हें देखकर शैतान भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के अंदर दो अमेरिकन डॉक्टर्स ने अपना क्लिनिक बनाया है। इनका नाम डॉक्टर मौसम खान अमरीका और जीशान खान अमरीका है। इनका क्लिनिक छप्पड़ बाजार में मौजूद है। वेलिस क्लिनिक का नाम डॉक्टर काशी खान नसवार क्लिनिक है। इस क्लिनिक में आपको वो दवाई दी जाती है जिसे मुंह में रखकर बंदा परिस्तान पहुंचाता है। खैर इस क्लिनिक के पोस्टर के मुताबिक इन दोनों डॉक्टर्स ने नसवार की डिग्री अमेरिका से हासिल की है। इट मींस कि अब नसवार ये अमेरिका की गोरी नसवार का मजा ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है की ये क्लिनिक कयामत तक ओपन है, क्योंकि पोस्टर में साफ साफ लिखा है की ये लोग सिर्फ कयामत वाले दिन ही छुट्टी करेंगे। वेल इस तरह का कॉन्फिडेंस सिर्फ पाकिस्तानियों में ही हो सकता है। ये सच में हमाकत है। दोस्तों आप सबने कई शादियों के टेंट्स तो देखे होंगे। पाकिस्तान के अंदर जब किसी की शादी होती है तो वो लोग खुली जगह पर टेंट लगा लेते हैं ताकि मेहमानों को बिठा कर खाना खिला सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ वॉशरूम नहीं होता। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक पाकिस्तानी ने टॉक्सिक रिश्तेदारों के लिए डिस्पोजेबल टॉयलेट इन्वेंट किया है। इस टॉयलेट को किसी भी टेंट के साथ जमीन में लगाया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहरीले रिश्तेदारों को खुली हवा में जंगल पानी करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये लोग होते ही इसी लायक है, क्योंकि एक तो फ्री में खाना खाते हैं, ऊपर से फसाद भी डालते हैं। सो मेरे ख्याल में इन लोगों को सबक सिखाने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में डांसर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जितने खतरनाक डांसर्स आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। वेल ये जो शैम्पू आप देख रहे हैं, इसके अंदर का डांसर इतनी खारिश कर रहा था कि ये रक्षे पर जाता हुआ ही नागन बन गया। इसके मिड एयर ठुमके देकर लगता है कि भाई को बचपन में कोई गलत टीका लग गया था जिसके साइड इफेक्ट्स अभी तक चल रहे हैं। मुझे तो रक्षे वाले पर तरस आ रहा है, बेचारा सिर्फ अपने किराए के चक्कर में इस कश्माला तारक की बदबूदार हरकतें बर्दाश्त कर रहा है। ये सच में हमाकत है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि गरीब बंदा तो अब इन्हें खरीदना तो दूर, इनके अंदर शायद बैठ भी नहीं पाएगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक पाकिस्तानी भाई ने अपने CD70 को ही कार में बदल दिया। वेल इस ओपन माइंडेड बाइक में स्टेयरिंग और गियर लीवर लगाकर इसे कार बनाने की नाकाम कोशिश की गई है, लेकिन बहरहाल जो भी हो इस भाई ने अपने कार वाले सपने को तो पूरा कर ही लिया है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सख्त कवारी लड़कों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि ये सिंगल बकरियां चुड़ैलों के साथ भी निकाह करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। वेल इसी तरह के एक तरसे हुए बंदे की जब शादी हो रही थी तो ये इतना एक्साइटेड हो गया कि अपने सेज वाले बेड के साथ सेल्फी लेकर फेसबुक पर अपलोड कर दी और साथ लिख दिया कि आई एम शादी। इस पोस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंदे ने हाथ पीले करने के लिए कितने चिल्ले काटे होंगे। वेल इतनी तरसी हुई आवाम आपको पाकिस्तान के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों एक दौर था जब लोग विंडोज और मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पुलिस वाले अवाम का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक छक्का ट्रेन स्टेशन पर नागन डांस करके टिकटॉक वीडियो बना रहा था। भाई साहब फुल मस्ती में दे पर दे स्टेप मार रहे थे, इतने में पुलिस वाले ने इसे देख लिया और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने पहुंच गया। उम्मीद है कि चित्तर खाने के बाद भाई दोबारा शोखी होने की कोशिश कभी नहीं करेगा। इसके अलावा ये जो छपरी आप देख रहे हैं, ये शैम्पू रात चलती हुई लड़कियों की वीडियो बनाता था। देखने में तो ये अपनी सेल्फी बना रहा होता था, लेकिन असल में ये मोहल्ले की लड़कियों को कैप्चर करता था। खैर इसकी ये हरकत ज्यादा देर नहीं चल सकी और पंजाब पुलिस ने इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। वेल इस बंदे को तो जितने छितर मारे जाएं इतने ही कम होंगे।
दोस्तों आमतौर पर अगर आउटडोर बारबेक्यू करना हो तो लोग जंगलों, पहाड़ों या पार्क्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं पाकिस्तान की आवाम के, ये लोग तो नदी नालों के पानी में भी टिक्की कबाब बना सकते हैं। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें वेले लोगों का एक टोला डैम के पानी में बारबेक्यू कर रहा है। इन लोगों ने फोम के ऊपर बारबेक्यू का सारा सामान रख लिया है और उस पानी के अंदर ही टिक्के बना रहे हैं। यार, इस तरह के शगुफे आपको पाकिस्तान के अलावा और कहाँ मिल सकते हैं? दोस्तों, आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि ढोल बजाने पर भी नहीं उठते। वैसे तो ढोल की आवाज इतनी ऊंची होती है कि बेहोश बंदे को भी उठा दे, लेकिन पाकिस्तानी लौंडों को नींद से जगाना बच्चों का खेल नहीं है। ये आवाम ऐसे घोड़े खोते बेचकर सोती है कि इन्हें तो न्यूक्लियर ब्लास्ट भी नहीं उठा सकता। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक सोई हुई लाश को जगाने के लिए ढोल बजाए गए, पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कहता हूँ लाइफ में इतना सुकून तो होना ही चाहिए कि दुनिया मरती मर जाए और बंदा सुकून से सोया रहे। दोस्तों, आप सबने नोट किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर खास करके पठानों के नाम काफी यूनिक होते हैं। पठान तो माशाल्लाह बच्चों का नाम रखते हुए जरा भी टेंशन नहीं लेते। इन भाइयों ने तो दरिया खान, समुंदर खान, अफगानिस्तान और इवन पाकिस्तान खान को भी नहीं छोड़ा। इवन अगर आप पिशावर की शू मार्केट में जाएंगे तो आपको दुकानों के अलग ही लेवल के नाम नजर आएंगे। बहरहाल, जो भी हो, पख्तून अवाम वाकई में कमाल की है। दोस्तों, आमतौर पर जब कहीं पर चोरी होती है तो चोर पैसे, जेवरात और कीमती चीजें लेकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने तो लिटरली किसी चीज को भी नहीं छोड़ा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चोर रोड साइन को उठाकर बाइक पर ले जा रहे हैं। असल में ये पोल मेटल का होता है जो कि कबाड़ में 4-5 का तो बिक ही जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी पॉटरी तो लोहे को कॉन्क्रीट से भी सूंघ कर निकाल लेते हैं। पता नहीं इस अवाम का बनेगा क्या। दोस्तों, दुनिया भर में लोग खूबसूरत और आलिशान घर बनवाते हैं। पाकिस्तान में भी लेविश हाउसेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में लोग सिर्फ स्टाइलिश घर ही नहीं बल्कि फैंसी कब्रें भी डिजाइन करवाते हैं। हालांकि मुर्दे को इस मार्बल और डिजाइनी कब्र से कोई खास फायदा तो नहीं होता, लेकिन ये कारोबार इतने अरूज पर है कि अब तो मार्बल से लेकर फाइबर तक हर मटेरियल की कब्रें मार्केट में अवेलेबल है। किसी जमाने में लोग स्टाइलिश कपड़े और जूते खरीदते थे, लेकिन अब तो दादा दादी के लिए फैंसी कब्रें बाय की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कब्रों की कीमत 25,000 से शुरू होकर 3 लाख रुपए तक जाती है। अफसोस की बात यह है कि मुर्दों की कब्रें सजाने का पूरा एहतमाम किया जाता है, लेकिन उस मुर्दे की मगफिरत की दुआ करने वाला कोई नहीं होता। लोग माँ बाप की कब्र पर ये मार्बल का कोट चढ़ाकर समझते हैं कि इन्होंने बेटा होने का सारा हक अदा कर दिया है। एनीवे, जो भी हो, एट द एंड बहरहाल इस मार्बल से मुर्दे को कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज मौजूद हैं, इनके लोग कोका कोला, पेप्सी और इस तरह के इसराइली सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शायद पाकिस्तान के अंदर आपको कोका कोला और पेप्सी जैसे प्रोडक्ट को बायकॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? उसकी वजह यह है कि ये प्रोडक्ट्स तो पाकिस्तान के अंदर मज्जों के तबेले में बनाई जाती है। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें टैलेंटेड पाकिस्तानी अवाम कोका कोला की बॉटल्स में रूह अफजा की तरह शरबत भर के पाकिस्तान समेत कोका कोला वालों को भी चूना लगा रहे हैं। वेल, ये सीन देखने के बाद तो इसराइली शैम्पू भी कोका कोला को पीना छोड़ देंगे। दोस्तों, अगर किसी एक चीज की बात की जाए जो ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी को पसंद हो तो वो है शुगल मेला। लिटरली ये आवाम शुगल मेले और वेलेपन में इस हद तक जा चुकी है कि इन लोगों ने तो बानी कायद को भी नहीं छोड़ा। पिक्चर्स और वीडियो एडिटिंग के इस दौर में पाकिस्तानी आवाम कायद आजम के साथ सेल्फीज और वीडियो बनाती हुई नजर आती है। कुछ माँ के लाडले तो कायद आजम के साथ पिक्चर लगाकर दोस्ती का भी इजहार करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोज है जिनमें कायद आजम की पिक्चर्स के साथ शुगल मेले चल रहे हैं। ऑनेस्टली, आज अगर मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होते तो इन्हें समझ आती कि ये कौम गुलामी सही थी। वैसे ही इन्होंने अपना टाइम और पूरी जिंदगी इस कौम की आजादी के लिए बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, ये तमाम इलेक्शन जो हमने देखा, पाकिस्तान के कुछ ऐसे नमूने जिनको आप देख के हंसेंगे भी, अफसोस भी करेंगे। सारी बातें तो इसमें चली, ठीक है, हंसी की थी, मजाक का था, जो भी थी वीडियो, लेकिन उसमें एक वीडियो जो बताया गया जो कब्र को ताल्लुक से, कि अपने मुर्दों को मार्बल के बढ़िया बेहतरीन महंगी से महंगी कब्र को बनवाना, ये जो कहीं पे नहीं बताया गया। जो भी आपके अपने इस दुनिया से चले जाएँ, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी इस दुनिया से चले गए, सिर्फ उनको ज़रूरत हो उनके हक में जितना हो सके दुआ करें, उनके लिए इशारे सवाब करें, बस ये उनको पहुँचेगा। बाकी कब्र में आप संगे मरमर के पत्थर लगवा दें, कुछ भी फ़ायदा नहीं इसको मुर्दे से। तो इससे इबरत लेना चाहिए इससे भी, और इसको सही तरीके से मालूम करें अगर इसको नहीं मालूम है, जितना हो सके अपने अपनों को दुआ दे करें। तो ये था हमारा रिएक्शन, जो आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।